अगला था कस्य विरुद्ध अपि भोजनम परिपच्यते, अर्थात किसके विरुद्ध, अर्थात किस व्यक्ति के विरुद्ध सभी मतलब हर प्रकार का उसको क्या हो जाता है, भोजन पच जाता है। विरुद्ध नापि, तो किस प्रकार के व्यक्ति को हर प्रकार का, मैंने बताया था श्लोक में कच्चा पक्का हर प्रकार का भोजन उस व्यक्ति को पच जाता है, किस व्यक्ति को पच जाता है पूछा गया है। तो कस्य विरुद्धम, अर्थात आंसर आएगा इतना नित्यम व्यायामम कुर्वतः कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, जो नित्य हमेशा मतलब नित्य प्रकार से व्यायाम करता है उसके विरुद्ध भी क्या हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, भोजन पच जाता है। मतलब कोई भी भोजन दिया जाए उसको तो उस विरुद्ध भी उसको क्या हो जाता है, भोजन पच जाता है। ठीक है, अगला था कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितनी बल से किया था, अर्थात कितनी बल से हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कितनी बल से हमें व्यायाम करना चाहिए। तो आपको श्लोक जो लास्ट श्लोक था आपको याद आ रहा होगा, उसमें लिखा था कि बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, बल के आधा ताकत से हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। बल के जितना हमारे शरीर में बल है उसके आधा ताकत से हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, चौथा अर्धबलस्य लक्षणम किम, अर्धबलस्य लक्षण आधा बल का लक्षण क्या है, आधा बल का लक्षण क्या है। तो आधा बल का लक्षण क्या है, जब व्यायाम कुर्वतो जंतो, जब व्यक्ति व्यायाम करता है, जब उसके लास्ट श्लोक में था जब उसके हृदय में स्थित वायु जब मुख पर पहुंचती है वही क्या कहलाता है, अर्धबल का लक्षण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा व्यायामम कुर्वतः जंतोः हृदय स्थान अस्थितः, मतलब हृदय में स्थित, ठीक है, वायु यदा वक्त्रम, वक्त्रम अर्थात मुख, ठीक है, प्रपद्यते अर्थात पहुंचती है, तद अर्धबलस्य लक्षणम, तब उसका क्या है, आधा बल का लक्षण है। इन क्वेश्चनों को आपको हल करके दिया जाएगा, आप उससे इन क्वेश्चनों को करोगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको यहीं बताए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको यहीं सॉल्व करके दिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप यहीं से उन क्वेश्चनों को करोगे, ऊपर वाले क्वेश्चन आपको करके दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। ठीक है, जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनमें जो पद दिए गए हैं इनमें हमने तृतीय विभक्ति को योजित करना है, अर्थात तृतीय विभक्ति में बदलना है इनको। ठीक है, तो हमें इसके लिए शब्द रूप याद होने चाहिए। पहले मैं जैसे आपको बताया है व्यायामः डॉट डॉट हीनम अपि सुदर्शनम करोति, तो यहाँ सीधा तृतीय गुण का, यहाँ पे गुण है, गुण शब्द है, इसको तृतीय में गुणय ही कर रखा है ना, व्यायामः गुणय हीन अपि सुदर्शनम करोति, गुण का गुणय तृतीय विभक्ति बनाया है यहाँ पे, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। डॉट डॉट दिया है, बलस्यार्ध दिया है ना, बलस्यार्ध को हमने तृतीय विभक्ति सीधा से सीधा क्या आ जाएगा, बलस्यार्ध का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा यहाँ पे, बलस्यार्धेन है ना, तृतीय बालकेन पुष्पेन, ये चीज पढ़ते हैं तो तृतीय विभक्ति में प्रथमा एक वचन में यहाँ पे सीधा से सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बलस्यार्धेन। ठीक है, बलस्यार्धेन, बल का आधा भाग, ठीक है, व्यायाम करना चाहिए हमने, बल के आधा भाग से क्या करना चाहिए, बाल व्यायाम करना चाहिए, बलस्य अर्धेन, बलस्य अर्धेन, यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी हमारा बलस्यार्ध के, तृतीय विभक्ति हमारा बला बलस्यार्धेन। ठीक है, फिर दिया है डॉट डॉट सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति, यहाँ पे दिया है व्यायाम, व्यायाम का हमें तृतीय विभक्ति बनाना है, तो व्यायामेन सीधा सीधा यहाँ पे क्या जाएगा, व्यायामेन। ठीक है, तृतीय विभक्ति बन गई हमारी व्यायामेन। ठीक हो गया, फिर था डॉट डॉट बिना जीवनम नास्ति, विद्या का तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग है तो विद्याया बन जाएगा सीधा से सीधा, क्या बन जाएगा, विद्याया। ठीक है, विद्याया बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। सौ डॉट डॉट खंजह अस्ति, सौ डॉट डॉट खंजह अस्ति, चरण को हमने तृतीय विभक्ति बनाना है तो चरणेन सीधा से सीधा चरणेन हो जाएगा। ठीक है, चरणेन वह मतलब पैर के बिना है, ठीक है, लंगड़ा जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया,
सूपकारः डॉट डॉट भोजनम जिग्रते नासिका, सूपकार भोजन किससे सूंघता है, नासिका को हमने तृतीय विभक्ति बनानी है नासिकया, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए ना सी कया हो जाएगा नासिकया, ठीक हो गया। ये थे हमारे तृतीय विभक्ति बनाने थे जो दिया गया था, इनको हमने क्या करना था तृतीय विभक्ति बनाने थे, ठीक है। यहीं से आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, स्थूल पद आधृत्यः प्रश्न निर्माणम करो, जो स्थूल पद मोटे पद दिए गए हैं आपको इनमें क्या करना है, इनके प्रश्न निर्माण करना है इसमें, ठीक है। पहला जैसे दिया है शरीरस्य आयासजनम कर्मम व्यायाम इति कथ्यते, शरीर को थका देना ही कर्म क्या कहलाता है, व्यायाम कहलाता है। तो शरीर को, तो सीधा से सीधा यहाँ पे क्या जाए कस्य, किसको थका देना, तो शरीर को, है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा कस्य, ठीक है। यहाँ पे शरीर के यहाँ पे क्या जाएगा प्रश्न निर्माण जब करोगे तो कस्य, ठीक हो गया। फिर है अरयः व्यायामिना न अर्धयन्ति, ठीक है। अरयः व्यायाम अर्थात शत्रु व्यायाम करने वाले को क्या रोग नहीं होता है, ठीक है। शत्रु व्यायाम करने वालों को क्या नहीं होता है, रोग नहीं होता है। शत्रु उनको क्या नहीं कर सकता है, पकड़ सकता, शत्रु उनको नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। उनका शत्रु उनको नहीं पकड़ सकता है जो क्या करता है व्यायाम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरयः के किसको नहीं पकड़ सकता है ना, तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण क्या आएगा के अर्थात किसको, ठीक है। फिर है आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अपने हित चाहने वाला हमेशा व्यायाम करता करना चाहिए, अपने हित चाहने वालों को हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो कई अर्थात किसके हित चाहने वालों को, अपने, कई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रश्न निर्माण कई, कई सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, किसके हित चाहने वालों को हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो आत्मा अपने हित चाहने वालों, ठीक है। गौ दिया है व्यायाम कुर्वत विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, अर्थात जो व्यायाम करता है उनको विरुद्ध भोजन भी क्या हो जाता है, पच जाता है। तो कीदृशम, किस प्रकार का भोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा कीदृशम, किस प्रकार का भोजन उनको क्या हो जाता है, पच जाता है, ठीक है। कीदृशम आ जाएगा विरुद्धम भी। फिर है गात्राणाम अर्थात शरीर सुविभक्तया व्यायामेन संभवति, गात्राणाम अर्थात शरीर की सुदृढ़ता किस व्यायाम से ही क्या है संभव है, ठीक है। केशाम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केशाम, किसकी जो शरीर की है, केशाम सुविभक्तया, किस प्रकार की, मतलब जो सुदृढ़ है हमारा शरीर व्यायाम से ही क्या है संभव है, ठीक है। मतलब क्या हमारा क्या है, मतलब क्या हमारा सुड्रॉल व्यायाम से संभव है, क्या है शरीर, ठीक है। ये शाम आएगा, इसको आपको इन्हीं में से वीडियो के माध्यम से ही कॉपी में इनको सॉल्व करना होगा और आपको क्वेश्चन के आंसर लिख के आएंगे, आप उसको अपनी तीन क्वेश्चन को अभी समझ करके कॉपी में सॉल्व करो।